तथ्य भी अपने अपने अलग अलग होते हैं, जैसे आधा गिलास खाली है एक तथ्य, किसी का ये है, दूसरा कहता आधा गिलास भरा है, वो भी तथ्य, दोनों ही तथ्य सही है। इस समय यहाँ पर भारत में क्या टाइम हो रहा है, इस समय 12 बज रहे होंगे 12:30, अमेरिका में रात के बज रहे होंगे, दोनों तथ्य हैं। तो सवाल ये है आप तथ्य को देखते कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे दो तीन अभी रामगोपाल जी ने एक दो बातें कही, हर्षवर्धन जी ने कही, अब रामगोपाल जी ने कहा कि खाली ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, तो फिर अगर आप ये भी मत लिखें कि जो है रावण बड़ा अत्याचारी था, सीधे लिख दीजिए सीता का अपहरण कर लिया था बस। वाल्मीकि ने जब रचना की तो उन्होंने रावण की तमाम सारी अच्छाइयाँ भी बताई कि कितना तपस्वी, कितना विद्वान, शिव भक्त, शिव तांडव का रचयिता, उसकी जितनी महानता हो सकती सब बताया, और उसके बाद उसके अत्याचार भी बताए और पर्सपेक्टिव के साथ बताए। वो भले उसको इतिहास माने या आख्यान माने, जो भी माने, लेकिन एक हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है वो, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। और हम अगर इतिहास लेखन में, चलिए ठीक है, सही है, कई बार वामपंथी नज़रिए से जो इतिहास लिखा गया उसमें बहुत चीज़ें छूट गई होंगी, तो अब तो सवाल यह है कि उन्होंने कुछ छोड़ा तो आप भी छोड़ देंगे क्या? आपको तो पहले, आपको तो संतुलित, जब आप उनसे अपने को अलग दिखा रहे हैं कि वो सारा इतिहास वामपंथी नज़रिए से लिखा गया, तो आप संतुलित नज़रिए से लिखिए, आप उसको दक्षिणपंथी नज़रिए से क्यों लिख रहे हैं? अब जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि क्या सारे एकेडमिशियन राइट विंग हो गए, भाई क्या सारे तब लेफ्ट विंग थे? हमेशा सरकारें अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर बनाती हैं, और कैसे बनते हैं हम सबको मालूम है, वो चाहे कांग्रेस का ज़माना रहा हो और चाहे आज का ज़माना हो, कहाँ से सिफारिशें आती हैं, कैसे बनते हैं, हमें सब मालूम है और आप सबको मालूम है। तो इसलिए जो वाइस चांसलर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनका सबका अपना अपना नज़रिया होता है। जदुना सरकार का अपना नज़रिया था और बिपिन चंद्रा का अपना नज़रिया था। तो मुझे लगता है कि तथ्य के साथ पर्सपेक्टिव भी इतिहास में होता है। पर एनसीईआरटी का तर्क यह है विनोद जी, जी कि कोविड के काल में बच्चों के बीच सर्वे करवाया गया, पेरेंट्स के बीच सर्वे करवाया, पाया कि बच्चों पर बहुत ज्यादा बोझ है, तो बोझ कम कर दिया जाए, तो इसीलिए चर्चा हुई, विमर्श हुआ और कमेटी ने, एडवाइजरी कमेटी ने सजेस्ट किया कि इन इन चीजों को हटा देना चाहिए, उसके बेसिस पे हमने किया, तो हमारी अपनी राय नहीं। तो बोझ कम करने के लिए आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? फिर आप बोझ कम करने के लिए, भाई पाकिस्तान में हिंदू राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, वहां मुगल काल पढ़ाया जाता है, मुस्लिम हिंदुस्तान, और उसके बाद 47 के बाद कायदे आजम आ जाते हैं, वो चंद्रगुप्त अशोक का इतिहास ही नहीं पढ़ाते। तो मतलब हम क्या उस रास्ते में जा रहे हैं? अगर वो कालखंडी आप हटा देंगे बच्चों, हम कह रहे हैं कि अकबर का जैसे जिक्र किया अभी, इसका नुकसान क्या है इस ये काम करने का, एनसीईआरटी ने जो किया है? नुकसान ये है, आप कैसे देखते हैं? नुकसान ये है कि देखिए, हर व्यक्ति मान लीजिए जो इतिहास आगे पढ़ के इतिहास की पढ़ाई करता है, तो वो तो दुनिया भरी किताबें लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेगा, वो आप कुछ भी छिपाइए उसको। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, वो स्कूल से जो इतिहास सीखता है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं होती, उसको सामान्य जानकारी होती, तो सामान्य जानकारी में उसका इतिहास बोध जो है वो बिगड़ जाएगा। नुकसान ये है, मान लीजिए इतिहास, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास बोध व्यक्ति का, फिर वो तय करे कि अकबर गलत था और राणा प्रताप सही थे, उसकी आज़ादी है, या चंद्रगुप्त अशोक ने जब कलिंग में हत्याएं की तो उसका क्या कारण था, क्या उस वक्त वहाँ कोई दूसरे धर्म के लोग थे, ये राजाओं की लड़ाइयाँ थी, तो ये सब चीज़ें जो है वो व्यक्ति खुद अपने विवेक से तय करे अपना। लेकिन तथ्य और पर्सपेक्टिव, दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव हो, मतलब तो यही है ना कि एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक समाज में, अगर आप एक तरफ, चाहे इधर से हो जाए उधर से, मैं इसलिए इसको मानता हूं कि उधर जो गलतियां हुई हैं पहले, हो सकता है तमाम सारे नायकों को नहीं दिखाया गया, नहीं पढ़ाया गया, अब पढ़ाइए उनको, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। और रही बात नाथूराम गोडसे वाले मामले, गांधी जी वाले, भाई नाथूराम गोडसे खुद अपने को हिंदू नेता कहते थे, नाथूराम गोडसे इस मामले में मुझे लगता है उन्होंने ज़्यादा ईमानदारी दिखाई। अगर नाथूराम गोडसे भी दुखी होंगे कि उनको अगर हिंदू नेता ना कहा जाए, तो उन्होंने गांधी जी की हत्या की, हिंदू कहो या हिंदुत्ववादी कहो, जो भी कही है वो गर्व के साथ उनका था ये। तो इसलिए जो है वो एक तथ्य था ना, ये चीज़ें थी, भाई गांधी जी ये थे, वो ये थे, और एक वैचारिक दोनों के बीच झगड़ा था, और उस वैचारिक झगड़े में उन्होंने एक अतिवादी कदम उठाया। लेकिन अगर खाली आप उसको वो कर देंगे, संघ पर जो प्रतिबंध लगा, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, तो संघ के लोग ही इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे पर प्रतिबंध लगा लेकिन वो गलत था, और बाद में कोर्ट से हम छूटे, तो अब आप वो स्टैंड कैसे लेंगे जब वो प्रतिबंध ही आप गायब कर देंगे? तो मुझे लगता है ये ठीक है कि अभी पहली बात तो आ जाए चीज़ें सामने थोड़ा और स्पष्ट रूप से, तब उस पर और राय बनाई जाए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है
एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।